स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। आज लाया हूँ ट्यूबलेस टायर है, और जितना भी बाइक निकलता है ट्यूबलेस टायर होता है, तो बार बार जो कील घुसता है और छेद होता है तो टायर खराब हो जाता है। तो इसके कारण एक सोल्यूशन बाहर किया है कंपनी ने, एक कंपनी का प्रोडक्ट है लिक्विड, और ये डालने का बाद ट्यूबलेस टायर जितना भी कील मारता है छेद होता है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये ज़्यादा जिन जाता है। तो दोस्तों ये है 500 ml का आपका लिक्विड, 150 cc बाइक के लिए है, और यह है 350 ml का लिक्विड है, यह है आपका 100 cc बाइक के लिए है। तो दोनों ही चीज़ आपको बता दिया, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही चीज़ है, और इसमें माल जो है कम बेस है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहते हो और आपको दिखाते रहता हूँ। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों ये है TVS कंपनी का अपोची RTR बाइक है, मैं इसे से पहले यूज करूँगा, ठीक है। पिछला जो व्हील है इसे मैंने डाल दिया है, इसका वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन सामने का जो व्हील है इसमें आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो छोटा सा इंट्रो बनाइए, देखिए। तो दोस्तों ये है कंपनी का कॉन्टैक्ट, और यहाँ पूरा एड्रेस दे चुके हूँ, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, और आप बात कर सकते हैं ये प्रोडक्ट के बारे में। और इसका प्राइस क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, और कंपनी से भी फ़ोन लगा के पूछ सकता है। ये 350 ml है, आपका 499 रुपया इसका प्राइस है, और यह 500 ml इसका 599 रुपया प्राइस है। तो आप कंपनी से बोल दीजिएगा, जब फ़ोन कीजिएगा, आप कस्टमर है या सेलर है तो बोल दीजिएगा, लेकिन कस्टमर का अलग प्रिंट होगा और सेलर का अलग होगा, क्योंकि यह प्रोडक्ट एक कंपनी का। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों यह है आपका वाल्व खोलने का एक पिन है, और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पिन को खोलना पड़ेगा, वाल्व पिन को, ठीक है। वाल्व पिन को खोल लिया, हवा निकल गया, देखिए यह वाल्व पिन, इसे आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने निकाल दिया और हवा भी निकाल दिया। अब देखिए इसका जो कैप है, आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसको मैं फिर से लगा दिया, ठीक है। इसी तरह आप भी लगाइए। अगर आप कस्टमर है तो मेरा वीडियो देख के इजीली कर सकते हैं, और मैकेनिक है तो और भी बड़ी बात है। अब इसको लगाने के बाद इस डब्बे को आप पुश कीजिए ज़ोर से, क्योंकि इसमें 500 ml होता है, और 150 cc बाइक के लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो छोटा करके आपको दिखाता हूँ, और स्पीड बढ़ा के दिखा रहा हूँ फास्ट मिशन करके, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो कट करके दिखा रहा हूँ। इसमें 20 मिनट आपका लग जाएगा, तो मैंने कट करके आपको पूरा ऑयल डाल दिया लिक्विड, देखिए इस डब्बा में पूरा डाल दिया है। ये डब्बा एकदम पूरा खाली हो चुकी है, और मैंने ये पूरा व्हील का अंदर भर दिया है, ट्यूबलेस टायर के अंदर, देखिए। अब मैं क्या करूँगा, वाल्व पिन को लगा दूँगा, देखिए वाल्व पिन को मैं लगा दूँगा और इसे टाइट कर दूँगा, ठीक है। अब व्हील को थोड़ा आपको घुमाना पड़ेगा, आगे पीछे करके घुमा लीजिए, क्योंकि इसका अंदर जो लिक्विड है चारों तरफ जाना चाहिए, चारों तरफ जो टायर होता है उसके अंदर राउंड होके घूमना चाहिए, फेड होना चाहिए, इसीलिए मैं इसे थोड़ा राउंड मार रहा हूँ, आप भी मारिए, ठीक है। चारों तरफ घूम जाएगा, लिक्विड अपने आप काम करेगा। तो चलिए मैं पहले हवा दे देता हूँ, पूरा हवा दे देता हूँ, और हवा मुझे कितना रखना है, 28 पे रखना है, ये सामने का व्हील है तो मुझे 28 हवा करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, 30 नहीं करेंगे, 28 हम करते हैं सामने व्हील पर, और पीछे व्हील का जो है आपका 35 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये है 28, मैंने कर दिया है, देखिए 28 है, 30 का नीचे, इसका मतलब 28 हवा है। और थोड़ा मैंने हिला रहा हूँ चक्के को, घुमा रहा हूँ व्हील को, घूमने के बाद लिक्विड जो फेड हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, ये जो कीले छेद अभी नहीं करूँगा, ये कील मैं ठूकने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए, लिक्विड जो बाहर आता है
तो काम बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए पहले मैं चक्कर लगा के आता हूँ बाइक को। लिक्विड जो रहता है अंदर चारों तरफ घूम जाएगा और फेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी मुझे मिल जाएगा। तो 1 किलोमीटर मुझे बाइक चलाना है, तो अभी मैं ड्राइव पे जाता हूँ, 1 किलोमीटर मैं बाइक चलाऊँगा, उसके बाद आपको कील घुसा के दिखाऊँगा। तो अभी ड्राइव पे जा रहा हूँ, ठीक है, अभी चक्कर लगा रहा हूँ। देखिए सामने पर मैं हूँ, तो अब मैं चक्कर लगा दिया, बाइक को ला दिया, ठीक है। अब मैं कील घुसा के आपको दिखाऊंगा जो हवा निकलता है कि नहीं। अब देखिए लिक्विड पूरा फेट हो चुकी है और व्हील पे जा चुकी है। अब मुझे क्या करना है, आपको दिखाना है, पूरा व्हील पे चल गया है। अब मुझे दिखाना है कील घुसा के। देखो मैं अभी ये जो कील है, कांटे हैं, मैं इसे घुसाऊंगा। देखिए ये कांटे को व्हील के अंदर घुसा दिया। देखिए इसी तरह आपके व्हील पे भी, टायर पे भी आपका कांटे ढुकता है और इसी तरह पंचर हो जाता है। बार बार होने के बाद आप इसे पंचर सराते हैं, चिप्पी देते हैं और फूटा बड़ा हो जाता है आपका टायर का, जो होता है बाइक कांपने लगता है। तो ये सब का ज़रूरत नहीं है आपको। पहले मैं दिखा देता हूँ हवा कितना है। देखिए इसमें हवा कितना है आपको दिखा देता हूँ। देखिए 28 हवा भरा था और 28 अभी भी है, ठीक है। देखिए 30 के नीचे है, 30 के नीचे है, इसका मतलब 28, 28 पॉइंट हवा इसमें है। और मैं इसमें किल को निकालूंगा और हवा चेक करके आप दिखाऊंगा। देखिए ये लिक्विड निकलता है कि नहीं थोड़ा। तो इसी तरह ये लिक्विड जो निकलता है इसको लॉक कर देगा कुछ देर बाद। अगर आपका बाइक ये लिक्विड भरने के बाद थोड़ा हवा आता है, तो इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसे लॉक कर देगा और आपका हवा नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक लिक्विड जो होती है इसे कंपनी ने अच्छा से बनाया है और अच्छे से किया है। चलो एक और फूटा कर देता हूँ, एक और फूटा कर देता हूँ। देखिए ये फूटा हो गया, ठीक है, यहाँ भी लिक्विड निकलेगा। देखिए यहाँ भी लिक्विड निकल रहा है, निकल रहा है, तो बतास नहीं निकल रहा है, सिर्फ लिक्विड निकल रहा है। इसका मतलब ये जो छेद है लिक्विड से इसके बंद कर देगा। तो देखिए हवा भी इसका 28 है, 28 ही हवा है, तो ये पंचर बन गया। अब मैं थोड़ा ड्राइव करके आता हूँ, ठीक है। ड्राइव करके आने के बाद मैं चेकअप करूँगा इसमें पानी दे के हवा निकलता है कि नहीं। चलिए फिर ड्राइव पे गया, चलो ड्राइव से फिर आ गया। ड्राइव से आ गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी दूंगा और चेकअप करूंगा बतास आते हैं कि नहीं। ये पूरा पोंछ दिया है लिक्विड को और मैं इसे अभी पानी देके देखूंगा। देखिए इसका 28 हवा है, थोड़ा कम है हल्का देख के। क्यों कम आया दोस्तों, ये जो पहली पहली है इसीलिए। अब पानी देके मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें नहीं आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।